Hey guys, good morning, welcome back to another vlog. तो यार कैसे हो सभी, स्वीर स्वागत है अपने एक और ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो कल क्या सीन हुआ यार, एकदम बढ़िया वाला कि कल भाई कम से कम मैंने 3 मिनट का वीडियो शूट किया इधर ही बिल्कुल इसी जगह पे। और क्या हुआ लास्ट में जो अपने भाई क्लिप ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं की थी भाई, गजब ही सीन हुआ। और यार आज जो भाई बारिश आ रही है सुबह से, मतलब भाई साहब सुबह के 6 बजे रखे थे और जो यार एकदम भाई सब चारों तरफ बादल बिल्कुल यार ब्लू होकर के बिल्कुल नीले बारिश आने को हो रखी यार, एकदम रात वाला सीन हो रखा था। एकदम जैसे कि भाई बारिश इतनी तेज आएगी यार, सब कुछ मतलब गलियां वगैरह सब हो जाएगी। बट क्या हुआ एकदम जो है, मैं उठा था 7 बजे कह रहा हूँ, मैं उठा था 6:30 बजे, बिकॉज 7 बजे जो भाई तैयार होकर हम बैठ चुके थे। तो मैं 6:30 बजे उठा था और नहाया, और नहाने के बाद मैंने जैसे 7 बज गए थे तो राहुल भी नहा था, मैं भी नहा था, तो 7 बज गए थे। तो मैंने देखा बाहर भाई मौसम तब तक तो भाई बारिश वाला ही था, मतलब नीले वीले बादल नहीं थे, बस बारिश वाले थे भाई। एकदम बारिश आई, ट्यूशन पे गए तो यार एकदम अलग ही सीन हो गया। बाकी अभी जो अभी भी ठंडी हवा चल रही है, मौसम मतलब ख़राब ही, आज तो यार मौसम ख़राब ही, आज सूरज आने वाले नहीं भाई, आज सूरज देवता नहीं आने वाले, आज मौसम ऐसा ही रहेगा। और आज हम शूट भी कर सकते हैं अपना म्यूज़िक वीडियो आने वाली जो सी, तो आज जो यार बैकग्राउंड में जो अपन एक्टिंग करते हैं म्यूज़िक के ऊपर, एक तो एक्ट होता है कंप्लीट एक्टिंग जो कि एक स्टोरी बेस्ड होगा वो अलग है। और आज शायद से 18 डेट है, कल है 19, तो 19 डेट यहाँ पे जो यार TOD के खिलाफ में जो यार करने वाले कुछ, जो कि अग्निपथ है आपको पता है यार आर्मी वाले के साथ क्या करते हैं, 4 साल की करती। तो यहाँ पे भी जो कल करने वाले हैं भाई बस स्टैंड पे, तो हम भी जो भाई करेंगे शूट करेंगे, देखते कितना कुछ जो यार होगा, पब्लिक कितनी होगी, क्या कुछ होगा। तो कुछ ना हम आपको भाई हर एक इन्फॉर्मेशन देंगे, शूट करेंगे, सब कुछ करेंगे, बिकॉज यार ये गलत सीन कर रखा, बिकॉज पुलिस वाले भी जो भाई साथ दे रहे यार नौजवानों का जो भी आर्मी में लगना चाहते थे। तो भाई बहुत सारों ने तो यार जो सुसाइड भी करी है, न्यूज़ में भर भर के आ रहा है यार। और एक तो भाई जींद में ही है, जींद में पता नहीं कौन सा गांव था, मैंने न्यूज़ देखी थी तो भाई वहां पे भी सुसाइड कर ली, रोहतक अकेडमी, मतलब पता नहीं कितने कितने जगह पे सुसाइड है। तो भाई यही चल रहा है कि भाई सुसाइड मत करो, एक दिन के अंदर अंदर भाई 70 सुसाइड कर गए एक दिन में, जिस दिन ये जो भाई रूल निकाला था, गलत रूल है यार। और बाकी यार आपको पता है ट्यूशन पे गया था, ट्यूशन से आने के बाद भाई मैं तो पढ़ने लग गया था। तो बाकी अभी मौसम मैं बाहर आया चेक करने के लिए, और आपको भी अभी बस व्यू दिखाता हूँ यार, कैसा कुछ व्यू हो रखा है, एकदम मस्त मस्त मौसम है। वैसे आप देख ही पा रहे हो यार अपना पौधा, देखो कितना हरा भरा हो गया एकदम, कल बारिश में देखो अभी भी गिल्ला पड़ा है भाई, एकदम बारिश में क्या ही मस्त खिलता है। और देखो यार अभी मौसम कितना यार बढ़िया हो रखा है, बारिश आएगी यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आज तो सूट भी है और मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है यार देखो। और यहाँ पे देखो ये वापस यार क्या होती है, जो इसके फ्लावर्स आते हैं ना यार, वो पता नहीं जो क्यों तेज़ हवा चलती है टूट जाते हैं यार, बिकॉज यहाँ पे जो यार फ्लावर आए थे गाइस, अगर आपको नहीं पता यहाँ पे जो है फुल भर गया था, और एक दिन आंधी आई, आंधी में सारे के सारे उड़ गए। देखो अभी तो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक जो है हो रखे है, देखो आप देख ही पा रहे हो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक है, यहाँ पे भी ये ब्लैक ब्लैक मतलब ब्लैक ब्लैक हो रखे है। तो यही बात है, बस ये जो है वापिस खेल जाएंगे, आंधी आएगी यार वापिस ये उड़ जाएंगे, पता नहीं कहाँ पे जाते हैं, मिलते भी नहीं यार, यहाँ पे फूल होते ही नहीं है और यहाँ से गायब, मस्त चमत्कार है। कोई बात नहीं अभी मस्त यहाँ पे एक 5-1 मिनट बैठता हूँ, हवा ठंडी ठंडी चल रही है और टाइम अभी 1 बज रहा है भाई। और देखो भाई क्या ही मस्त मौसम हो रखा है, एकदम मज़ा आ रहा है, एकदम मस्त ठंडा ठंडा मौसम है। और 11 से 12 अभी मैंने लाइव स्ट्रीम किया GTA San Andreas, तो अभी मस्त खेल रहा हूँ यार, एकदम मज़ा आया यार गेम खेल के GTA। और GTA 4 तो शायद से होगा, GTA 3 डाउनलोड करूँगा मैं, और GTA 3 का गेम प्ले वीडियो यार करेंगे, बाकी GTA San Andreas मेरे को बहुत अच्छे से खेलना था उसका ही करूँगा मैं, और वीडियो भी आएगी जल्दी गेम प्ले की। बाकी यार देखो मौसम एक नंबर का हो रहा है यार, वर्षा भी एक नंबर का मौसम है। चलो अंदर चलते हैं, मौसम तो अपन में यार ये दिक्कत है यहाँ पे यार, व्हीकल इतने ज़्यादा व्हीकल, स्पेशली यार बस, प्राइवेट बस कितनी ज़्यादा आवाज़ आती है यार, बिल्कुल शोर मचता है यार एकदम।
तो फिर आपसे अंदर चलते हैं और आराम से वापस एक बार स्कूल का काम करता हूँ। का सीन है, अभी मस्त बारिश का मौसम हो रखा है और मम्मी ने बना दिए है यार फाइनली मालपूड़े, और जो कि मेरे फेवरेट है, बिल्कुल फेवरेट है, पकौड़े और मालपूड़े तो सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरे। तो अभी खाते हैं मस्त घी वाले और एकदम। और अभी अगर बात करें टाइमिंग की, 2:54 जो अभी टाइम हो रखा है। तो यार आपको ब्राइटनेस कर देता हूँ, बिकॉज मैं ब्राइटनेस कम करता हूँ ना। 2:54 जो अभी टाइम हो रखा गाइज, तो फ्रॉट ब्राइटनेस कम, बिकॉज मुझे अच्छी नहीं लगती है ज़्यादा ब्राइटनेस। तो मस्त अभी यार चाय मैंने पी ली है, तो अभी जो है इंजॉय करते हैं मालपुड़े। तो फटाफट से मालपुड़े खाते हैं, और आज जो यार शायद से हम जो है राहुल ने तो बाइक ठीक करवा ली, और शायद से आज जो यार सूट पे जा सकते हैं। आज हमारा एक जो है सूट है, तो हम 3-4 जने होंगे जिसमें से मेरा ही सूट है, सारा का सारा मेरा ही है। तो वो हो पाएगा शायद से, अगर आज हो पाएगा तो कल फाइनल सूट भी कम्प्लीट हो जाए। और कल तो भाई यहाँ पे जो यार करने वाले है, आपको पता होगा क्या करने वाले हैं भाई, जो भी आर्मी में लगना चाहते थे तो सारे बंदे यहाँ पे बस स्टैंड पे जो है भाई, जो यहाँ से थोड़ा दूर है वो बस स्टैंड, नया वाला बस स्टैंड, तो नए वाले बस स्टैंड पे भाई सब इकट्ठा होंगे। और भाई देखते हैं जो भी करेंगे, मस्त वीडियो करेंगे, हो पाएगा तो शायद से मैं लाइव स्ट्रीम नहीं, अपना वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। बिकॉज यार जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करना ये वाली चीज़। अग्निपथ जो यार आपको पता है, ये सब कुछ पता है, क्या कुछ न्यूज़ में आ रहा था सब कुछ पता है, तो आप फुल दबा के शेयर करना वीडियो को। तो अभी मैं फटाफट से मालपुड़े एंजॉय करता हूँ यार। गाइज अभी टाइम हो रहा है यार 5:48, तो अभी बस मैं बाहर जा रहा हूँ खेलने के लिए पार्क में, तो चलो फटाफट से चलते हैं पार्क में बिना किसी देरी के। गाइज अभी राहुल तो जो यार वीडियो बनवाने के लिए उधर गया है, तो बस अभी जो ऋतिक शूट करेगा। और देखो यार पतंग भी उड़ने लगी गाइज, तो भाई राहुल आ गया और ये शूट कर रहा है इधर। हेलो गाइज, वेलकम टू विवेक पुनिया व्लॉग्स, और मैं हूँ अभिषेक, आप सब मुझे जानते होंगे। सो गाइज विवेक ने मुझे कहा कि भाई मैं अभी केरला में रहने लगा हूँ, तो यहाँ पे कुछ दोस्त लोग कर रहे हैं शूटिंग, तो विवेक ने मुझे कहा मैं केरला में रहने लगे, यहाँ का बहुत अच्छा व्यू है। और आज मैं आया हूँ बीच पे, तो दिखाता हूँ बीच का नज़ारा। अरे ना बहुत अच्छा नज़ारा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आई है। यहाँ पर बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, इतना ब्यूटीफुल नज़ारा, में ओशियन मैंने पहली बार देखा है, और केरला में बहुत अच्छे